शराब के नशे में फाइल पे सिग्नेचर कर दी। बाद में उनको हटाया गया मंत्रालय से, रक्षा मंत्री थे वो और नेहरू जी के पक्के यार थे। हाँ, यारी उनकी नेहरू जी से जबरदस्त थी। जब इनका घोटाला खुला ना तो नेहरू जी से बात कहते हुए नहीं बनता था लोकसभा। एक दिन नेहरू जी ने यह कहा था लोकसभा में कि मेरे मंत्रिमंडल में अगर कोई घोटाला करेगा तो मैं उसको बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा। और थोड़े दिन में ये कर दिया वी के कृष्णा मैंने। हाँ, तब सबने कहा लोकसभा में नेहरू जी को लटकाओ इनको बिजली के तार से, तो नेहरू जी की बोलती बंद हो गई थी। फिर एक दिन नेहरू जी ने इसका उल्टा बोला लोकसभा में कि ये जो प्रजातंत्र की गाड़ी है ना, ये घोटाले और भ्रष्टाचार से ही चलती है। ये नेहरू जी ने कहा। मैंने घोटाला तो होना ही है इस लोकतंत्र। उसके थोड़े दिन में और एक बड़ा घोटाला हुआ था, चेक पिस्टल स्कैंडल। चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश है, वहां से पिस्तौल खरीदी भारत सरकार ने, लेकिन पिस्तौल नहीं आई, पैसे चले गए। तब बहुत मुश्किल आई थी। एक और बड़ा घोटाला हुआ था उसी समय, नागरवाला स्कैंडल। एक हुआ था मुजड़ा स्कैंडल। ऐसे जितने घोटाले अब तक हुए हैं हमने सबका हिसाब निकाला तो अब तक भारत देश को 340 लाख करोड़ का चूना लगा दिया है भ्रष्ट नेता 64 साल। और ये जो 340 लाख करोड़ का चूना देश को लगा दिया, ये पैसा गया कहां? ये सब इन भ्रष्ट नेताओं के नामों से विदेशी बैंकों में जमा है। स्विट्जरलैंड नाम के देश में भारत के भ्रष्ट नेताओं के 280 लाख करोड़ रुपए जमा है। और स्विट्जरलैंड जैसे दुनिया के 70 और देश हैं, वहां पे 60 लाख करोड़ जमा है। कुल 340 लाख करोड़ रुपए नेताओं ने लूट के जमा कर रखे हैं विदेशों में। अब हमने इस भारत स्वाभिमान की मदद से एक आंदोलन शुरू किया है कि नेताओं ने ये जो धन लूट लिया है, इस धन को भारत में वापस लाना और इसी धन से भारत की गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये धन वापस आ सकता है जो लूट लिया इन्होंने? हाँ, आ सकता है। कैसे आएगा? इस धन को वापस लाने के तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में हम एक मुकदमा करें और उसमें ये कहें सुप्रीम कोर्ट से कि इन सभी घोटालों की जांच करो और जांच करने के बाद जो पता चले कि पैसा विदेशों में गया है उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, तो वो सारा पैसा जो विदेशों में जमा है ये वापस आ जाएगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, हम भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित कराएं, कुछ एमपीज को कहें कि भैया संसद में प्रस्ताव करो कि विदेशों में जो 340 लाख करोड़ भारत का जमा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और संसद इसको मान ले तो ये पैसा वापस आ जाए। तीसरा एक रास्ता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ एक संस्था है, उसके साथ हम एक समझौता करें, एग्रीमेंट, तो वो ये सारा पैसा वापस दिलवाने को तैयार है। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अभी अमेरिका को ये पैसा दिलवाया है। अमेरिका का भी बहुत सारा पैसा घोटालों में डूब के स्विस बैंक में जमा हुआ था, और बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बना ना तो उसने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि कर ली, समझौता, तो संयुक्त राष्ट्र ने वो सब अकाउंट खुलवा दिए उनके और पैसे दिलवा दिए, तो हम भी कर सकते हैं ये काम। तो ये तीन रास्ते हैं और इनके माध्यम से पैसा आ सकता है। तो हमने पहले रास्ते पे तो कदम बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हमने दाखिल करवा दिया पिछले साल भर पहले, और इस मुकदमे को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से एक बहुत मशहूर वकील ने किया है, उनका नाम है राम जेठमलानी। अच्छी बात यह हुई है कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके सरकार को नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जितना पैसा विदेशों में है इसका हिसाब हमें बताओ। तो अब सरकार के हाथ पर फूले हुए, क्योंकि जिनका पैसा है वो ही सरकार चलाने।
सरकार को उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नोटिस देगा, अब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इस पैसे को इकट्ठा करवाना है दुनिया भर में जहां जहां ये जमा, तो सरकार ने अपने अधिकारी भेजे हैं 70 देशों में और 34 देशों के पैसे का सब पता चल गया, 36 देशों का बाकी है, थोड़े दिन में वो भी पता चलेगा। और तब सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपील करवाएंगे कि सारा पैसा जिसका पता चल गया वो देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, वो नेताओं की नहीं है, हमारी है, हमने टैक्स में दिया था वो पैसा, नेता कहां से लाए, ये तो हमारा पैसा है। तो उसको राष्ट्र की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, ऐसा हमें भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले भी कर चुका है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए थे नरसिम्हा राव, आपको याद होगा, उनके जमाने में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला, उसमें जितने पैसे भारत के बाहर। एक संभावना ऐसी है, एक ही संभावना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये मुकदमे का फैसला करने में समय लगा तो, क्योंकि कई बार 25-25 साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, इसमें भी ऐसा हो सकता है, तब हम क्या करेंगे। तब हमने दूसरा संकल्प लिया है कि हम संसद में एक बिल पास करेंगे और उसके लिए सांसदों से हमने बात कर ली, कई सांसद तैयार हैं जिनके पैसे कहीं नहीं है, ऐसे हैं सांसद, अब बेचारे लूट ही नहीं पाए तो क्या करें, बोले वाले से तो वो तैयार है, वो कहते हैं हम बिल लाएंगे संसद। तो ऐसे सांसदों का एक समूह बनाया है और वो बिल की ड्राफ्टिंग चल रही है, थोड़े दिन में इसको संसद में लाएंगे, और संसद में जब बिल आएगा तो बाकी सब सांसद बहस करेंगे, बहस वाले दिन हम ये देखेंगे कि इसका विरोध कौन कौन कर रहा है, जो विरोध करेगा पक्की बात है हराम ही वही है, कमीना वही है, पैसे उसी के हैं, बेईमान वही, तो पता चल जाएगा पूरे देश को बेईमान कौन कौन है। अब संसद में दो ही बात होंगी, या तो संसद के बेईमान सांसद इस बिल को पास नहीं होने दें, और या संसद में ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो वो बिल को पास करा दें, दोनों में से कुछ एक होगा। अगर बिल पास हुआ तो अपने को कुछ करना ही है, कानून बनेगा पैसे आ जाए, और बिल पास नहीं हुआ तो हमने एक तीसरा संकल्प लिया है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब सारे देश में से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिता के लाएंगे और फिर दोबारा से बिल पास। अब आप बोलोगे क्या 400 सांसद हमारे जीतेंगे, आराम से जीतेंगे, क्यों, क्योंकि सन्यासी और संत हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़े संत परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने तो संकल्प ले लिया, उनके जैसे 70 और संत हैं, उन्होंने भी संकल्प ले लिया। मैं आपको कुछ संतों के नाम गिनाऊं जिन्होंने ये संकल्प लिया। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, भारत माता मंदिर वाले, उन्होंने संकल्प लिया। एक दूसरे सन्यासी हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, उन्होंने संकल्प लिया। एक तीसरे संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देवगिरी, पहले उनका नाम था आचार्य किशोर जी व्यास, अभी उनका नाम है गोविंद देवगिरी, संन्यास लिया हुआ। और एक चौथे बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य कांचीपुरम। पांचवें एक संत हैं परम पूजनीय मुरारी बापू, एक हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज, एक है परम पूजनीय रमेश भाई ओझा। ऐसे 70 संत हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि 2014 के चुनाव में जरूरत पड़ेगी तो ये सारे संत घूमेंगे पूरे देश में। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि ये सब संतों के कुल भक्त जितने हैं वो इकट्ठे होकर अगर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाएंगे। तो असंभव नहीं है, जब ये संत उतर पड़ेंगे तो फिर कौन रोकेगा इनको, तो ये सांसद तो जीत जाएंगे, कानून भी बनेगा और ये सांसदों पे कंट्रोल सब संतों का रहेगा, और ये आगे पीछे देखेंगे तो तुरंत इनको वापस बुला लेंगे।
एक कानून के साथ इनको हम भेजेंगे, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। जिस सांसद को चुन के भेज दिया वो हमेशा के लिए नहीं है, अगर वो काम नहीं करेगा उसको वापस बुला के दूसरे को भेजें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सबके सिर पे तलवार लटकती रहेगी काम करना, नहीं तो जाना क्यों वहां पे, कोई मौज मजा करने थोड़ी जाना है वहां। तो ये तो करा लेंगे हम, कानून बना देंगे, पैसे आ जाएंगे, फिर पैसे आने के बाद देश में उसको गांव गांव में खर्च करना, हर गांव में 100 उद्योग लगाने हैं उस पैसे से। जैसे भारत के गांव में कपास पैदा होती है वहां पे खादी बनाएंगे, भारत के गांव में जहां गाय है वहां गोमूत्र से दवा बनाएंगे, जहां गांव है गाय है बैल है भैंस है वहां गोबर है, गोबर से खाद बनाएंगे किसानों के लिए, और उस गोबर में से गैस निकालेंगे, वो गैस को सिलेंडर में भरेंगे, वो सिलेंडर से गाड़ी चलेगी, घर का खाना बनेगा, बिजली बनेगी। ऐसे ही गांव गांव में जहां आलू होता है वहां आलू का चिप्स बनवाएंगे, टमाटर की चटनी बनाएंगे, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में। और इन उद्योगों में 10 लाख करोड़ खर्च होगा और भारत के 67 करोड़ लोगों को काम मिलेगा गांव गांव, तो बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी। फिर और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो उससे सड़क बन जाएगी हर गांव में और बिजली आ जाएगी हर गांव को 24 घंटे बिजली, वो करीब 4 लाख करोड़ में होगा, हर गांव को सड़क वो 6 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ में बिजली सड़क हो गई। और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो गांव में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और किसानों की सिंचाई के तालाब हर गाँव में बनाएंगे। 30 लाख करोड़ में गाँव की सब समस्याएं हल हो जाएंगी, हर गांव को बिजली हो गई, हर गांव को सड़क, हर एक गांव में रोजगार हो गया, हर एक किसान के खेत को पानी मिल गया, पूरे साल पानी मिलेगा, तो आज जितनी फसल होती है उससे 2 गुना उत्पादन होगा, तो किसानों का भी भला होगा। अंत में शहरों का विकास करेंगे, 10 लाख करोड़ में शहर विकसित हो जाएंगे, क्योंकि शहर तो बहुत थोड़े हैं, 1000 शहर हैं भारत में और गांव 6,38,365 है, तो गांव विकसित हो गए तो शहर तो आसानी से हो, माने कुल 40 लाख करोड़ में पूरा विकास हो गया। अब 300 लाख करोड़ बचेगा फिर क्योंकि धन तो 340 लाख करोड़, तो 300 लाख करोड़ बच गया, अब इसका क्या करें। तो इसके लिए हमने योजना बनाई है कि इसको भारत माता के नाम से RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, और ये धन अगर फिक्स डिपॉजिट में रख दिया तो इसका हर साल ब्याज मिलेगा और वो ब्याज 30 लाख करोड़ रुपए होगा, जो हमारे एक साल के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। हमारा एक साल का खर्चा है 11 लाख करोड़ पूरे देश का, और ये ब्याज मिलेगा 30 लाख करोड़, तो 3 गुना ज्यादा, तो 11 लाख करोड़ तो खर्च करेंगे अपने देश में जो देश के काम चलाने हैं, 19 लाख करोड़ फिर बचेगा, इसका क्या करें। तो इसकी योजना बनाई है कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों को बांटेंगे कर्ज में, हाँ कम ब्याज का कर्ज, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, बर्मा है, पाकिस्तान को नहीं देंगे बाकी सब, चीन को भी नहीं देंगे बाकी सबको देंगे, चीन पाकिस्तान को छोड़ के सबको देंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, हमारे जो पड़ोसी देश हमारे दुश्मन जैसे बने हैं ना, ये मित्र हो जाएंगे, बांग्लादेश बर्मा भूटान नेपाल ये सब मित्र बनेंगे, और 70 देश अगर हमारे मित्र हुए तो इन सब देशों को संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में खड़ा करना है, बता देंगे उसका। तो ये जो 70 देश हैं इनको हम भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में खड़ा कर सकते हैं, मतलब ये 70 देश भारत के समर्थन में प्रस्ताव करा सकते हैं। प्रस्ताव क्या कराना है, हमारी जो जमीन चीन के कब्जे में है वो वापस लेनी है, और हमारी जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है वो वापस लेना, 1/3 कश्मीर हमारा पाकिस्तान के पास है और 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के पास है, ये दोनों वापस लेनी है। ये वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद चाहिए, और वहां एक प्रस्ताव कराने के लिए 70 वोट चाहिए, और 70 वोट चाहिए तो इसलिए 70 देशों को हम मदद करेंगे पहले, तो ये हमारे लिए वहां वोट करेंगे, तो वो जमीन